फ्रेंड्स वेलकम टू अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आरुति शर्मा पांडे। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। रात को बच गए हैं 9। जस्ट वेट फॉर सेकंड गाइस, वॉइस चेक कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर सेकंड। वेट फॉर सेकंड, वेट फॉर सेकंड गाइस, वेट फॉर सेकंड, वेट फॉर सेकंड। ओके दैट्स ग्रेट। चलिए भाई कैसे आप लोग? आई थोप सब बढ़िया होंगे। वीडियोस प्रॉपर दिख नहीं पाती। हाँ चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आपका ये जो लेक्चर है आपका 18 है, आपका यूपीएससी पॉलिटी लेक्चर है, आपका यूपीआरएल जेई। तो यूपी अरल जेई का आज आपका लास्ट लेक्चर है, क्योंकि कल आपके एग्जाम्स हैं तो कल लेक्चर कोई मतलब नहीं है। तो कल से आपका फिर से एक नया सिलेबस स्टार्ट होगा फॉर यूपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर। आपका जो रहेगा वो ही फोकस पर रहेगा, साथ में आपका यूपी पीसीएल एई का जो आपका पोस्ट आया हुआ है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों आपकी जो पोस्ट रहेंगे ये दोनों ही आपके कल से स्टार्ट होंगे क्लास। आपका नए सिलेबस से नए तरीके से अब कल हम प्लान करेंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आई थोप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आई थिंक सबकी तैयारी अच्छी होगी इस समय, बस थोड़ा सा नर्वस फील करेंगे आप लोग। एग्जाम्स पहले का जो प्रेशर होता है आई नो दैट कि आपको फील हो रहा होगा, लेकिन अब तो जो पहली बार दे रहा है उसको दिक्कत होगी, जो पहली बार देख रहा है उसको दिक्कत नहीं है। चले भाई, कोई है नहीं क्या कमेंट्स? एटलीस्ट आप कमेंट कर दो एक बार, मुझे क्लियर है कि हाँ कौन कौन अवेलेबल है। ये तो क्या हो रहा है कि मुझे लगता है कि अच्छा आप लोग लाइव दिख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं आया, तो कमेंट बात कर दीजिए आप लोग। बाकी आप जानते ही हैं कि आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन क्या होता है। आपका प्लस में जो भी होता है आपका ईच एंड एवरीथिंग आपका वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, वेल प्रॉपर मैनर्ड में होता है। ईच एंड एवरीथिंग हर एग्जाम के लिए हम कोर्सेज लॉन्च करते हैं आपके लिए। पर्सनल गाइडेंस होता है, लाइव क्लास आपकी होती है, वीकली टेस्ट होते हैं अगर पॉसिबिलिटी रहती है तो। अभी आपका न्यू कैटेगरी है एसएससी एन स्टेट ही, तो आपका उसमें जो टेस्ट आपके हैं वो आपके आने वाले हैं। आकाश श्रीवास्तवा जी हेलो। अच्छा एक और चीज़ है, देखिएगा आप लोग कि जो लोग आई थिंक लाइव हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपके कमेंट दिखेंगे नहीं मेरे को, इसलिए अगर आपने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे मैं आपको कमेंट दिख पाऊँ। पिंकी यादव जी चौधरी साहब, हर्षद भाई कंचन, सभी का बहुत स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। आपका स्टडी प्लान होता है बकायदा, आपका स्टडी मेटेरियल आपको मिल जाता है, एक्सपर्ट गाइडलाइन आपको मिलती है, टेस्ट आपका एनालिसिस होता है, बैक टू बैक आपका जो भी रहता है आपका, तो ये आपका पूरा एक प्रॉपर मैनेजमेंट चीज़ें होती है। अनलिमिटेड आपका एक्सेस है, यानी कि जो भी उस कैटेगरी में आपको पढ़ा रहा है आपको सब मिल जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आपके ये बैचेस कल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो कल आप ये क्लासेस देख सकते हैं। आपका ये होने वाला है प्लस क्लासेस, आपकी जो प्लस कोर्स आपका होता है उसमें ये आने वाला है। डिजिटल कम्युनिकेशन का स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जिसमें आपका रैंडम सिग्नल रैंडम प्रोसेस आपका हो गया, आपका इन्फॉर्मेशन थ्योरी हो गया, और आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का एएसके पीएसके एफएसके जो भी आपके बेस बैंड मॉड्यूलेशन का होता है, पास बैंड जो भी वाटर आपके होते हैं वो सभी का करने वाले हैं। तो ये दो बैच आपके कल लॉन्च होने वाले हैं। 11 से 1 आपका टाइमिंग रहेगा प्लस पे आपका मॉर्निंग में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप लोग। और आपका ये रहा पॉलिटेक्निक का भी एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो ये बैच आपका काम आएगा किसके लिए? जो बीटेक हैं, जो डिप्लोमा हैं, जो सभी एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इसरो टीए हो, चाहे वीएसएससी हो, चाहे आपका डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, चाहे आपका आरआरबी जेई हो, कोई भी एग्जाम आपका है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप सभी क्लासेस दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, सो बिना किसी दिक्कत के आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर कीपेड, आपका कोड है। और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, कैसे आप मेरी स्पेशल क्लास दे सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। सो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपको प्रॉपरली जो भी आपकी डिमांड होती है आपको जो टॉपिक पढ़ना होता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी ऑलरेडी कर चुके होते हैं तो उनको बस ये होता है प्रैक्टिस, तो कभी कभी क्या होता है किसी टॉपिक में उनको दिक्कत आती है, तो उस टॉपिक को हम वहाँ पे चीज़ें कवर करते हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, आफ्टर इंस्टॉल करेंगे आप मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई कराएंगे। मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई होने के बाद क्या करेंगे आप, रतन पांडे यहाँ पर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद क्या होगा यहाँ पर आपको दिखेगा मेरा प्रोफाइल। अब होता क्या है कि नई कैटेगरी बनी है तो बहुत सारे बच्चे कुछ अलग कैटेगरीज में लेके थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर देते हैं, आपको वीडियोज़ नहीं दिखती हैं, तो इसलिए आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, अनअकैडमी लर्निंग के भी शौक करने के बाद आप रत्नेश पांडे पर डायरेक्ट आप आ जाएँ। यहाँ से आने के बाद क्या होगा कि आपका जो जो भी आप अमाउंट पे करने वाले हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से चीज़ों को देख सकते हैं बिना दिक्कत के। तो क्या करेंगे आप मेरी प्रोफाइल पे आ जाइए, आप मेरी प्रोफाइल पे आ जाइए। मेरी प्रोफाइल पे आने के बाद आपको वहाँ पे कैटेगरी वाइज वीडियोस दिखेंगे आपको। ए होता है आपका स्पेशल क्लासेस, तो ये आपकी फ्री क्लास होती हैं, इसका कुछ चार्ज नहीं है, आपको बस क्लिक करना है, वीडियोस देखनी है।
आपका एक होता है एसएससी नॉन टेक्निकल, फिर आपकी प्लस क्लास स्टार्ट होती है। एसएससी आपका नॉन टेक्निकल रहता है, फिर आपका एसएससी जेई एंड स्टेट ए लिखा हुआ है, फिर आपका एसएससी लिखा हुआ है, फिर गेट एसी लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आपके वीडियोज़ वहाँ पर लिखे होंगे। तो आपको एसएससी यानी स्टेट ए में आपको ये नाम दिखेगा, ये आपका नाम है प्रैक्टिस कोर्स ऑन यूपीएससी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एसएससी एंड स्टेट ए एग्जाम्स, ये है आपका। तो ये एक्चुअली ऐसा है कि आपको सभी वीडियोज़ मिलेंगी, बस पेमेंट पेज पे कैसे पहुंचना है एक प्रॉपर वे में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप किसी भी एक कोर्स में, ऐसा नहीं कि बस यही दो कोर्स, आपके दो कोर्स और अपकमिंग हैं, किसी भी एक कोर्स पर आप क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे डरने की बात नहीं है कि आपको बस एक ही कोर्स दिखेगा, आप सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं बिना दिक्कत के। आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ पे नहीं करना है, आप आराम से सभी को एक्सेस कर सकते हैं। बस यहाँ पर आने के लिए क्या होता है कि आप यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ से आपको फिर पेमेंट पेज पे आने में आपको दिक्कत ना आए, इसलिए ये ऐसा किया जाता है ताकि पेमेंट पेज पहुँच जाएं आप। पेमेंट पेज पे आते ही आपका यहाँ पर ऊपर है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, पेमेंट करने से पहले बार रीचेक करना जरूरी है कि आपका यहाँ पे एसएससी स्टेट ही है कि नहीं ये लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है तो आपका एकदम परफेक्ट कैटेगरी आपने चूज़ की है और आप परफेक्ट कैटेगरी में आ चुके हैं, और बस यहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए 24 मंथ 12 मंथ 6 मंथ, ये आपका पेमेंट है। नो कॉस्ट आपका ईएमआई भी अवेलेबल होता है, खास में आपका जो भी फीस है आपका, जैसे जैसे आप ईयर्स बढ़ाएंगे डेज बढ़ाएंगे आपका, तो वैसे ही आपका फीस कंपेरेटिवली क्या होता है लेस होता जाता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका 12 मंथ का 8000 है, तो आपका 3 मंथ का 4000 है। अब आप अगर वैसे देखें तो आपका जाएगा 12000, लेकिन आपको यहाँ पे 8000 है, 4 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है अगर आप देखें तो ध्यान से, ठीक है। बस कोड आपका है, कोड ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोड है आरकेबिडन, इस कोड को लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, साथ में आपको 10% का ऑफ मिलता है और भी बहुत सारे आपको चीज़ें मिलती हैं अगर ये कोड लगाते हैं आप तो, ठीक है। बस कोड लगाइए और आपका ये कोड है और आपका जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप पे करिए। पेमेंट के लिए कई सारे ऑप्शन हैं, SBI, ICICI, HDFC, व्हाटएवर आपकी जो बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, व्हाटएवर यू वांट, आपका जो भी है गूगल पे, फोन पे, आप सभी कर सकते हैं बिना दिक्कत के, ठीक है। बेनिफिट्स आप जानते हैं एज यू नो वेरी वेल, बहुत ज़्यादा। बाकी आपका क्लास टाइमिंग जो आपका है, आपका जो क्लास टाइमिंग है आपका, इस क्लास को हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका कल आपका जो प्लान रहेगा मैं आपको बता दूंगा, कल अभी क्लास में भी शायद रहे, अगर रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अबाउट दैट, ठीक है। जैसे भी क्लास होगा आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्लास अभी कल नहीं परसों रखेंगे हम लोग आपकी इस क्लास, जिससे कि हम लोग चीज़ों को कर पाएँ। यहाँ पे आपका EDC अनलॉक चल रहा है, उसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आपका UPSC पॉलिटिक्स को देखते हुए, उसको जरूरी रखते हुए, ठीक है। और क्लास आपकी जो रहेगी वो 7 पे रहेगी, जिससे आपको चीज़ों को टाइमिंग मिले, आपको आज से देख पाएँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आपका ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन जो आपके हैं वो मैंने रखा है थोड़ा सा मिक्स टाइप में, ताकि आपको कुछ चीज़ें मिलें। बाकी मैं नहीं चाहता कि आप ये टॉपिक क्वेश्चन करने के बाद आप ऐसा सोचिए कि आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ कि आप टेंशन लें कि सर ये तो हमने किए नहीं, हमने पढ़ा नहीं, तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आने वाला है, ठीक है। बस ये जस्ट लाइक एक वार्म अप है, ऐसा होता है कि आप चीज़ें अच्छा कर पाए, बेटर कर पाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अरे ट्रेन में, बहुत अच्छी क्या बात है भाई, ये फायदा अच्छा है ऑनलाइन होने का, ये फायदा होता है कि आप ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप हैं आराम से ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। सुरेखा जी बोल रहे हैं 1 का D होगा, दैट्स ग्रेट आपका। चौधरी साहब बोल रहे हैं 1 का D, एकदम सही कहा आपने, आपका 1 का D हो जाएगा भाई। आपका मटेरियल कोई भी है, अगर आपका सुपर कंडक्टर का बनेगा जो आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, दैट इज योर सुपर कंडक्टर, जो कि आइडियली पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं फटाफट, बताए भाई इसका आंसर क्या होगा। अ हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट, आपका एक हॉलो स्फीयर है, डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट, सही काम नहीं हो जाएगा, बट 2 का A हो जाएगा, इंटीरियर आपका होता है, क्योंकि आपके जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं। अब सरफेस चार्जेस हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपका सरफेस के बाहर जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस रहेगा, आपके इंटरनल में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो आपका आंसर रहेगा ए। किसी भी क्वेश्चन, कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेरी होगा तो आप आराम से पूछिएगा बिना दिक्कत के, कोई भी समस्या बताइएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर टैग करिए और आराम से पूछिए। आयुष भाई मैंने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। द फिलामेंट ऑफ 60 वॉट एंड 100 वॉट बल्ब आर द सेम लेंथ देन, बताए भाई क्या होगा।
टू का ए, व्हाट अबाउट थ्री? 60 वॉट फिलामेंट इज थिकर, ओके दैट्स ग्रेट, क्या बोल रहे हैं आप, थिकर होगा, ओके फाइन. सर भाई बोल रहे हैं बी होगा, ओके. आई समझते हैं थिकर मतलब होता है मोटाई, ठीक है, आपका मोटा होना. तो अब यही बोल रहे हैं भाई, फिलामेंट आपका दिया हुआ है, आपका 60 वॉट है, आपका 100 वॉट है, तो भाई ऑब्वियस आएगा पी इक्वल टू क्या होता है आपका, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है ना. अब डाउट ये आता है कि सर वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, एकदम सही बात है आपका, और आप एक होता है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, ये भी बात सही है आपका, एकदम सही बोला आपने. अब मुद्दा ये फंसता है कि अगर मैं आई स्क्वायर आर लूंगा और वी स्क्वायर बाई आर लूंगा, तो यहाँ पे पी की अगर बात करूँ मैं, तो पी आपका दोनों ही केस में क्या होगा, डिफरेंट होगा, ऑब्वियस बात है. यहाँ आपका वी स्क्वायर बाई आर है आपका, तो पी इनवर्सली है, यहाँ पे आई स्क्वायर आर है. तो अगर मैं इसको फर्स्ट दे दूँ, इसको सेकेंड बोल दूँ, तो आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूँ, आपके हिसाब से मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूँ जिससे कि मैं चीज़ों को कर पाऊँ अच्छे से प्रॉपरली बिना किसी दिक्कत के, बताए भाई. फर्स्ट वन सेकेंड वन बताए भाई. गुड इवनिंग भारती जी, गुड इवनिंग. सेकेंड वन चौधरी साहब बोल रहे हैं सेकेंड वन, ओके दैट्स फाइन. और कोई बताओ भाई, सेकेंड वन पक्का? अच्छा आपको लग रहा हो कि भाई सर ये तो करंट आपका फ्लो हो रहा है वायर में, तो वायर में हो जाएगा स्क्वायर आर, लेकिन आपकी बल्ब की बात हो रही है, बल्ब की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है. अब आप बताओ बल्ब कहाँ लगाते हो आप नॉर्मली एक बल्ब लगाते हैं घर में लगाते हैं, 99% केस में आपका बल्ब घर में लगा होता है, वैसे भी आपका हर जगह लगा होता है वैसे देखा जाए तो. अब घरों वायरिंग कैसे होती है आपकी, पैरेलल में, अगर वायरिंग आपकी पैरेलल में होती है तो ऑब्वियस से बात क्या होगा आपका, पी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे ना आप, क्या करेंगे आप, पी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे आप, सिंपल सी बात है. क्योंकि आपके घरों में लगा होता है तो इसको आप यूज नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे, इसको यूज करेंगे, बात समझ में आई. क्योंकि दिक्कत ये आती है कि यार कब किसको क्या यूज करें, तो आप घरों में आपके बल्ब लगा होता है, सिंपल सा लॉजिक है आपका, और उसमें वहाँ पे क्या होता है पैरेलल में वायरिंग होती है, तो आपका वोल्टेज सेम रहता है. क्योंकि अगर आप जब भी पावर और रेजिस्टेंस में अगर आपको कंपेयर करना है, एक सिंपल सी बात है कि आपका जो पावर है और आपको रेजिस्टेंस में जो कंपेयर करना है, तो अगर दो क्वांटिटी आपकी दी हुई हैं, दो क्वांटिटी आपको गिवन है, तो किसी एक को कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा आपको, तभी आप रिलेट कर सकते हैं. जैसे होता है पी इक्वल टू एफ बाई ए होता है आपका, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया. तो आप ये पढ़ा होगा कि भाई अगर आपका जो नाइफ होता है, अगर वो नीचे से आपका मोटाई ज़्यादा होता है, तो उसका फोर्स जो आपका प्रेशर कम लगता है, अगर आपका नाइफ नुकीला है तो ज़्यादा लगता है. क्योंकि देखिए अल्टीमेट गोल क्या है कि आपका जो नाइफ होता है वो सेम उसका होता है वेट, जो भी वॉट अगर आपका है, अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों में, तो आपका जो पतला नाइफ होगा वो ज़्यादा तेज कट करेगा, जो बड़ा मोटा नाइफ है वो लेट कट करेगा. तो वैसे ही क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जब भी आपके दो वेरिएबल्स आते हैं तो उनमें से एक को आप कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, जिससे कि आप उससे कंपेयर कर पाएँ. आप कंपेयर करने के लिए भाई देखो, वी को अगर आपको कॉन्स्टेंट करना है तो पैरेलल होना कंपलसरी है, पैरेलल नहीं होगा तो वी कॉन्स्टेंट नहीं होगा. अब सीरीज में आपका आया तो आई स्क्वायर आर आपका, तो आई आपका कॉन्स्टेंट तो नहीं होगा आपका, तो इसलिए याद रखिए. अच्छा एक और चीज़ है, आपको डाउट ये भी आता है सर आई स्क्वायर आर टी हम जब भी लगाते हैं, ये आपका हीट के लिए होता है, जब भी आप बात करते हैं हीट की, व्हाट अबाउट हीट, तो हीट आपका जो होता है वो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आप लेते हैं, जितना करंट आपको प्रोड्यूस होगा, तो आपका हीट कॉन्सेप्ट आपका आता है वर्क का ही, वो एक नया वर्जन है, इसको बोलते हैं आप हीट. तो हीट से जो, क्योंकि भाई जो आपका लाइट जब जलता है तो हीट होता है, तो हीट कितना प्रोड्यूस करेगा तब वो आपका होता है कैलोरीज में, तब आपका वो डब्ल्यू नहीं, आपका वो एच है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो वो बात अलग होती है आपकी. तो ये बात समझ में, तो आपको याद रखना है कि पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज आप किस लिए, क्योंकि आपका घर जो होता है वायरिंग उसमें आपकी पैरेलल में होती है, ठीक है. अब वी स्क्वायर आपको आर दिया हुआ है, अब वी स्क्वायर आपका दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, आपका वी स्क्वायर आपको गिवन है नहीं, तो यहाँ से देखा आपने पी प्रोपोर्शनल टू आपका आर है, जिसका पी ज़्यादा उसका आर कम, जिसका आर ज़्यादा उसका पी कम, ठीक है. अब इन्होंने बोला है लेंथ आपकी सेम है, व्हाट अबाउट एरिया, तो अब आप खुद सोचो कि भैया आपका जो लेंथ है वो तो सेम है, अब लेंथ की बात तो होनी नहीं है, तो आपका जो आर होता है वो इनवर्सली होता है वन अपॉन ए के, और इनवर्सली होगा वन अपॉन पी के, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ क्या कि भैया पावर और एरिया आपका सेम होगा, बताए भाई हाँ या ना, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं पावर एंड एरिया. बताए भाई
पावर प्रश्नों का एरिया होगा। कमेंट क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया आपके? जस्ट वेट, बताइए पावर आपका एरिया बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा पावर आपका, ठीक है? तो आपका जाएगा 100 वॉट आपका थिकर बोला गया है। आपका थिकर मतलब कि एरिया ज्यादा होगा, मतलब कि आपका मोटाई ज्यादा होगी। मोटाई का ज्यादा होगी तो आपका 100 वॉट का जो होगा मोटाई का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? आपका जो 60 वॉट उसका मोटाई का लेस हो जाएगा, गॉट इट? अगर आपका थिकर ज्यादा है तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका करंट अच्छा खासा सही है चलेगा आपका, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए भाई। टू रिप्लेस अ फॉल्टी 10 मिली हेनरी चोक यू कुड यूज, सही कहा आपने, 4 का भी एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऐसे तो आपका रिप्लेस करना है 10 मिली हेनरी चोक आपका है, तो हेनरी जो होता है आपका वो रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर, वो दोनों क्या होते हैं सीरीज में आपके ऐड हो जाते हैं, तो 5 5 के 2 कर दो आप, ऐड हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है? आ जाओ भाई 5 पे आ जाओ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। फाइव का सही हो जाएगा, जैसे कहा आपने, आपका 5 का सही एकदम राइट है, एन स्क्वायर आपका आ जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, परफेक्ट, ठीक है? तो ये आपने क्या किया है, स्ट्रेच किया हुआ है, डी नहीं होगा मैजिक भाई, आपका आर बाई एन स्क्वायर नहीं, आपका एन स्क्वायर आर हो जाएगा ना, लेंथ को आपने बढ़ाया है। आ जाओ भाई 6 पे आ जाओ। बताए भाई 6 पे होगा। इन अ सर्किट 2 9 ओम्स रेजिस्टेंस आर कंटेंट टू द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन, इफ सप्लाई वोल्टेज दिस होज, सिक्स का डी हो जाएगा। भारती बोल रहे 6 का डी, प्रगति बोल रहे डी, सुरेखा बोल रहे डी। अच्छा 9 ओम क्या आपके दिए हैं, सीरीज में दिए हुए हैं, टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस आपका, ठीक है? 2 9 ओम दिए हुए हैं आपके और 2 आपके 2 ओम के दिए हुए हैं, तो भैया 9 9 हो जाएगा 18, आपका हो जाएगा 19 और आपको मिल जाएगा डी। इन्होंने क्या बोला है कि भाई 2 9 ओम के रेजिस्टेंस आपके दिए हुए हैं सीरीज में और 2 आपके हो गए पैरेलल में ऐसे, ठीक है? कुछ ऐसा आपका हो जाएगा 38 वोल्ट हो जाएगा आपका, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो यहाँ से आपका R इक्विवेलेंट कितना रहेगा, आपका हो जाएगा यहाँ से 19 हो जाएगा, और आपका जो V हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से आपका 38, तो आपका I क्या आ जाएगा, आपका V अपॉन में R आ जाएगा, और क्या मिलेगा आपको यहाँ से, आपको मिल जाएगा 38 अपॉन में 19, कितना आ गया आपका 2 एम्पियर आ गया आपका, ठीक है? तो आपका आंसर आएगा 2 एम्पियर। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई 7 पे आ जाओ। थ्री वायर हैविंग अ कंडक्टेंस ऑफ 2 3 6 मोहो रिस्पेक्टिवली आर कंटेंट इन अ पैरेलल इन अ सर्किट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी।
पिंकी बोल रहे हैं ए, बहुत सही। चौधरी भाई ए बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। प्रगति बोल रहे हैं बी, ओके। सुरेखा बोल रहे हैं ए, बहुत बढ़िया। आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एकदम सही आपका। चौधरी भाई आपने क्या बोल दिया, ये बोल दिया क्या? अरे भैया ये मोहो लिखा हुआ है, मोहो लिखा हुआ है आपका, पैरेलल में दिया हुआ है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, मोहो समझ रहे हैं ना आप, पैरेलल में दिया हुआ है आपका ऐसे, ये आपका ऐसे हो गया और आपका ये ऐसे, आपका मोहो में गिवन है, मोहो में गिवन है, समझ रहे हैं आप, तो आपका ये हो जाएगा 2, 3 और आपका 6। मोहो मतलब ये कुछ ऐसा, अगर मोहो में है तो जानते हैं आप, 6, 3, 9, 2, 11 आपका हो जाएगा 11। ये आपका जी आ गया, और जी आपका जो होता है 1/r होता है, तो आर क्या होगा, 1/ में जी हो जाएगा, तो 1/11 आएगा ना, एक तो तरीका ये है। और दूसरा क्या है कि पैरेलल में तो हैं आपके ये, अब पैरेलल में अगर ये आप इसको आप कर दीजिए रेजिस्टेंस के फॉर्म में, सुन दीजिए आप, ये हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/6। अब सभी को आप ऐड कर दीजिए, तो 1/2, 1/3, 1/6, इसको आप क्या करें ऐड करते हैं, तो आ जाएगा 6 यहाँ से आपका, और कितना आ गया यहाँ से आपका, ये हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा n, अच्छा 3 2 5 6, हाँ ए। देखिए 1/r1, 1/r2, 1/r3 होता है, और मैंने उसको उल्टा कर दिया है, हाँ तो यही गड़बड़ होती है, इसलिए गड़बड़ करते हैं आप लोग, 1/1 ही आता है, क्यों नहीं आता है ये आपने देख लिया, ठीक है, तो आपको 1/1 में 1/1 करना है, याद रखिएगा आप लोग, जो गलती की है आपने, जिनका 1 ओम आ रहा है वो क्यों आ रहा है वो समझ लो आप, तो 1/r क्यों होगा, 1/1 में 1/2 दिया हुआ है, प्लस 1/1 में 1/3 गिवेन है, प्लस 1/1 में 1/6 गिवेन है, एग्जैक्टली ध्यान रखना आपको, 3 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 11। अब ये 1/r इक्विवेलेंट है, और आपको चाहिए क्या, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो आपका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/11 हो जाएगा ना, तो आपका आंसर आएगा सी हो जाएगा। तो ऐसी गलतियाँ ना करें तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर ऐसी गलतियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई 8 पे आ जाइए, 8। टू साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर अप्लाइड टू द एक्स एंड वाई इनपुट्स ऑफ द CRO। एट का ही हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग बताएं भाई, पिंकी बोल रहे हैं 8 का है, पंकज बोल रहे हैं 8 का है, यदु बोल रहे हैं 8 का है, भारती जी बोल रहे हैं 8 का है। टू साइनसॉइड हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी आर अप्लाई टू द एक्स वाई स्ट्रेट लाइन। अर्शद भाई एकदम सही कहा आपने, आपका 8 का C होगा ना, 8 का C हो जाएगा ना आपका, 180 डिग्री भी तो होता है, 0 एंड 180 आपका, ठीक है, अगर ये सी ना दिया होता तो आपका ए परफेक्ट राइट था, लेकिन 0 दिया हुआ है इसलिए आपका ये जाएगा क्या, 0 180 आपका हो जाएगा दोनों बोथ। ठीक है, अब आप देखिए 90, देखो 90 अगर होता तो क्या होता है आपका, बनता सर्कल, क्योंकि भाई एक साइन होता है तो एक कॉस होता है, अगर एक कॉस है तो दूसरा क्या आपका साइन है, ठीक है, एक साइन है तो कॉस है, दूसरा कॉस है तो साइन है आपका, अच्छा अगर आपका 180 तो क्या बोलेंगे आप, एक अगर साइन है तो ये माइनस साइन होगा, अगर ये कॉस है तो ये माइनस कॉस होगा,
बताओ भाई, हाँ या ना? बात सही है, तो इसलिए क्या होगा भाई, यहाँ से आपका सी एकदम परफेक्ट राइट आपका है। आ जाओ भाई 9 पे आ जाओ। एग्जैक्टली यार भाई, सही कहा आपने, एकदम परफेक्ट, बहुत बेहतरीन। एन बी जे टी सर्किट अ पी एन पी ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाई एन पी एन ट्रांजिस्टर टू एनालाइज द न्यू सर्किट। आपने सोचा था प्रियंका किसी जी, लेकिन आपने लगाया नहीं, गलत बात है ना, ये अप्लाई करना चाहिए था इसको। संगीता जी चौधरी जी, आपका डी, ओके दैट्स इट। वेक भाई बी नहीं, आपका डी हो जाएगा, डी आपका परफेक्ट राइट है आपका, डी इज द राइट आंसर आपका। रिप्लेस ऑल द कैलकुलेटेड वोल्टेज करंट बाई रिवर्स वैल्यू, जो भी आपने वैल्यूज निकाली हैं करंट या वोल्टेज की, आप सभी को रिप्लेस कर देंगे उसकी रिवर्स वैल्यू पर, ठीक है। आ जाओ भाई 10 पे आ जाओ। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द वैल्यू ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द रिजल्ट फॉलोइंग द एजुकेशन ऑफ एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टोर्ड इन द, आपने पढ़ा ही है एनपीएन। पीएनपी में क्या होता है आपका वी बी, जो आपकी पोलैरिटीज होती है वो चेंज होती है ना, आपका आई सी है, आपका आई बी आई आपका है, उनका सबका क्या होता है, पोलैरिटी आपका रिवर्स होता है ना। इसका मीनिंग बता दीजिए पंकज भाई, बता दिया मैंने आपको, आई थिंक आपका कमेंट अभी लेट आया तो इसलिए आपको पता लग गया होगा। हुआ ये क्या, आप मान लो आप वोल्टेज, मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपने पढ़ा हुआ सुबह वाली क्लास में, बीजेटी वाली क्लास में आपने देखा होगा कि भैया अगर आपको एनपीएन को एक्टिव मोड में करना है तो क्या करते हैं आप लोग, आपका वीबी जो होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन वही अगर आपका पीएनपी हो तो क्या होता है आपका वीबी, तब आपका निगेटिव हो जाता है। तो बस वही कहना चाह रहे हैं आपका, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहा था, ओके आई थिंक ये थोड़ा सा गड़बड़ था क्या, नहीं सही लग रहा था यार। तो क्या बताएंगे भाई यहाँ पे, आपका ये साइन आपका फ्लैग होता है, आपका साइन फ्लैग होता है, ठीक है। 10 का सी हो जाएगा आपका, साइन फ्लैग हो जाएगा, ठीक है। और जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप क्वेश्चन नंबर टैग करिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, नहीं तो मैं कन्फ्यूज रहूँगा कि आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 11 नंबर 10 नंबर आपका जो भी आपका है सब बता के करिए आप, ठीक है, कि आपका सर 11 नंबर दिक्कत है या 10 में दिक्कत है या 5 में दिक्कत है या 6 में दिक्कत है, तो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। अ 10 किलोमीटर लॉन्ग लाइन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक इमिडेंस ऑफ 400 ओम्स, इफ द लाइन लेंथ इज 100 किलोमीटर द कैरेक्टरिस्टिक इमिडेंस विल बी। इलेवन का ये बोल रहे हैं प्रगति, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, शानदार। संगीता बोल रहे हैं ए, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि तो आपका जानते हैं आपने अगर पढ़ा है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इमिडेंस होता है जेड इक्वल टू रूट में एल अपॉन में सी आपका होता है, ये आपका लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेंथ पर। क्योंकि क्यों ऐसा, एल अपॉन सी है तो हेनरी पर मीटर आपका हो गया, सी क्या होता है फैरेड पर मीटर हो गया, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया आपका, क्या आ गया ओम आ गया आपका, तो ऑब्वियस बात है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसी गलती आप ना करें, जो कि जानते हैं उसके बाद भी गलती ऐसी हो रही है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। सो बी केयरफुल, ओके आ जाते हैं भाई 12 पे आ जाइए। इन फिगर वी वन एंड वी टू
विच डायोड विल कंडक्ट, आपका जाएगा डी वन ओनली। उसके दिन क्या आपका रीजन ये है कि आपका ये हो जाएगा 8 वोल्ट, आपका जाएगा ये 4 वोल्ट। अब 8 वोल्ट जो आपका होता है वो आपका मोर पावरफुल है कंपेयर टू 4 वोल्ट के, तो पहले क्या करेगा इसको ये एक्टिवेट कर देगा, और जैसे आपका डी वन एक्टिवेट हो जाएगा आपकी जो करंट होगी पूरी यहाँ से आपका फ्लो स्टार्ट जाएगी, तो ये आपका भी एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा, तो आपका डी वन ही एक्टिवेट रहेगा ओनली, ठीक है, नॉट डी टू एंड डी वन बोथ। आ जाओ भाई 13 पे आ जाओ। इनिशियली द नंबर डेसिमल 8 इज स्टोर्ड इफ इंस्ट्रक्शन आर ए एल इज एग्जीक्यूटेड ट्वाइस द फाइनल नंबर स्टोर्ड इन द, थर्टीन का ए हो जाएगा, पिंकी बोल रहे हैं थर्टीन का ए, ओके थर्टीन का बी हो जाएगा सुरेखा जी। संगीता बोल रहे हैं होगा 32, ओके ठीक है। देखिए अब आप खुद सोचिए कि आपका जो एट है, मान लो यहां पे ऐसे ब्लॉक आपका दिया हुआ है, ठीक है ये आपका ऐसे है, तो मान लो आपका एट जो आपका स्टोर है वो कहाँ स्टोर है आपका भाई, एट स्टोर है ना आपका, तो सिंपल सी बात है आपका एट मान लो ये आपका यहां पे स्टोर आपका है। अब इसको दो टाइम आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे, वो भी लेफ्ट में, आप जानते हैं लेफ्ट में जब आप शिफ्ट करते हो क्या होता है आपका टू से मल्टीप्लाई होता है ना, तो आपका ये 8 × 2 मल्टीप्लाई होगा, आपका यहाँ 16 आएगा, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ गया आपका 32 आ जाएगा ना, तो फाइनली क्या मिला आपको यहाँ पर, आपको 32 मिलेगा ना, दो टाइम्स हो रहा है ना आपका, और आपका 8 स्टोर है, आपका 8 स्टोर है ना कि आपका कुछ और है आपका, ठीक है, तो बी केयरफुल अगेन, आपको क्वेश्चन पता था बस आपने जल्दबाजी में गड़बड़ कही है, बस हो गया, क्लियर है, बताओ भाई, हाँ है ना। यहां तक बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई 14 पे आ जाओ। प्रगति बोल रहे हैं 14 का सी होगा, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है।
14 का सी, 14 का सी, 14 का सी, ओके दैट्स ग्रेट। चलिए, अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा था कि भाई अगर आपको सीआरओ में स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको डिफेंस का चाहिए या तो आप 0 डिग्री हो या आपका 180 डिग्री हो, बताओ भाई, हाँ या ना? या तो आपका 0 हो, अर्षद भाई लगता है आप भी सबके ऑप्शन में फंस गए क्या? हाँ, या तो 0 हो, जब भी यहाँ पे आप आंसर करिए अपने हिसाब से कीजिए, सही गलत वो देखा जाएगा, क्योंकि अगर आपने आंसर चेंज किए किसी दूसरे को देखकर तो फिर आप अपनी जो कमियाँ हैं उसको आप समझ नहीं पाते हैं कि कमियाँ क्या आपके अंदर हैं। तो ये याद रखिएगा आप हमेशा कि जब भी आप आंसर कीजिए अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में दीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मेरे को ये नहीं आया था। नहीं तो आप अगर आंसर आपका सही होता है तो आप उस क्वेश्चन को भूल जाते हैं आप लोग, ये होता है एक चीज़, ठीक है, कि आप भूल जाते हैं उस क्वेश्चन को कि यार ये तो मैंने दे दिया, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, वो आपने किसी दूसरे को देख के दिया है। आपका 0 180 होगा, अगर आप 45 बोल रहे हैं तो क्या आपका 45 हो जाएगा क्या? अब इंक्लाइन बोल रखा है तो क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन बनता है ना, ओनली एक्स है या ओनली वाई है तो आपका वो एक्स पे बनेगा और वाई बनेगा। अब ये एक्स और वाई दोनों में रखा हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है ना कि भाई आपका जो बनेगा वो जो गैप आपका होगा साइन और आपका जो साइन और साइन में जो आपका होगा वो तो आपका बीच में रहेगा ना एकदम आपका, तो 45 वाला समझ रहे हैं आप, आपने तो इलेक्ट्रिकल बता दिया आपका, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बचा गया आपका ओनली ए ऑप्शन ना, बताओ भाई हाँ या ना? ऐसे कुछ सोचो आप ना, देखो आपका ये एक्स हो जाएगा, आपका ये वाई, मान लो आपका ये आपका ऐसे है और ये आपका ऐसे है, ये आपका साइन ऐसे हो गया और ये आपका साइन भी ऐसे हो गया, तो अब देखो भाई ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आपका यहाँ बना, अब ये ऐसे आएगा यहाँ पे और आपका ये ऐसे यहाँ पे, तो ये बना आपका, फिर आपका ये क्या होगा, ऐसे आएगा यहाँ पे और आपका ये ऐसे यहाँ पे आएगा, तो ये बना ना आपका ये, ठीक है, तो आपका जाएगा ए आंसर। बताइए किसी को दिक्कत, कोई समस्या है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई 15 पे आ जाओ। इन अ सी आर ओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, एक्स वाई प्लेट में सही कहा आपने, पर डी हो जाएगा आंसर। केसी जी, पिंकी यादव जी, बहुत बढ़िया, फूडी लाइफ, आ जाओ भाई 16 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिजिटल मॉडुलेशन टेक्निक आर यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ, दे आर लेस प्रोन टू, आपका जाएगा इंटरफेरेंस, आपका सही कहा आपने, आपका लेस प्रोन आपका इंटरफेरेंस आएगा, ठीक है, आपका डी आंसर राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है आपका, 16 का डी परफेक्ट राइट आपका है। आ जाओ भाई 17 पे आ जाओ। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड 32 लेवल पीसीएम,
17 का बी हो जाएगा। प्रोन क्या होता है, लेस प्रोन, मतलब कि आपका उससे ज़्यादा दिक्कतें ना हो, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आपका ज़्यादा वो किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा लेस प्रोन मतलब होगा आपका, आपका बी हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड 32 पीसीएम लेवल आपका, तो हो जाएगा 2 की पावर आपका 5 हो जाता है, आपका कितना होता है आपका 32 हो जाता है। ठीक है, आ जाओ भाई 18 पे आ जाओ। द नॉइस इज मोर डोमिनेंट इन अ विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका नॉइस जो होता है, चलिए मौर्य जी जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनको आप बहुत ही मोटिवेटेड फॉर्म में अटेम्प्ट करिए, एटलीस्ट उनके आंसर याद रखिए। मे भी सोचता है आपको क्वेश्चन ये मिल जाए तो आप करके आएंगे तो आपको फायदा ही रहे कि हाँ भाई हमने क्लास ली और हमको फायदा मिला, नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर आपने उसको डिमोटिवेशन भाव से देखा कि हाँ मैंने ये पढ़ा मैं क्यों करूँ उसको, आप एटलीस्ट क्वेश्चन देख लीजिए उसके आंसर क्या है वो देख लीजिए, आप वो याद रखो, आप कल तो आपको याद रहेगा, अगर आपने कल आंसर क्वेश्चन आया टिक मार दिया आपका तो बस मजे मजे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, द नॉइस इज मोर डोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका पी एम हो जाएगा, पैम हो जाएगा, इसको बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं इसको आप, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड आपका है तो आप जानते हैं जो आपका नॉइस होता है वो एम्पलीट्यूड में ही होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फेज आपका क्यों आया था, इसलिए आया था ना, तब आपका नॉइस लेस हो पाए, तो आपका पल्स एम्पलीट्यूड आपका मॉड्यूलेशन हो जाएगा। आ जाओ भाई 19 पे आ जाओ, बताए भाई यहाँ क्या होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन आर 125 ओम, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लाइन इज, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है आपका जेड एस सी और जेड ओ सी आपका, तो 125 कितना हो गया आपका यहां से 50। आ जाओ भाई 20 पे आ जाओ, आ नेटवर्क कंटेन्स, क्लास 8 नहीं, नहीं नहीं क्लास 8 क्लास नहीं है, या भी क्लास जो है वो अभी क्लास वो बीटे का आपका जब करेंगे आप कॉलेज जाएंगे तब होगा आपका। ठीक है, नेटवर्क कंटेन्स लीनियर रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, इफ द वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर डबल देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी, आपका बी हो जाएगा। भाई देखो सिंपल सा लॉजिक आपका है, आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपने लगा दिया वोल्टेज यहाँ पर। ठीक है भाई, अभी ये आपका वोल्ट था, मान लो आपका ये 4 वोल्ट है और ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, तो भैया यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट, जैसे आपका ये 8 वोल्ट हुआ तो यहाँ पर आपका 4 वोल्ट, आपका ये 4 वोल्ट, ये तो बात हो गई सीरीज में, पहले ना जानते हैं पहले आपका क्या होता है वोल्टेज का सेम होता है, तो जैसे ये बढ़ेगा वैसे आपका भी बढ़ेगा, तो आपका दोनों कैसे क्या होगा, आपका डबल जाएगा, तो वो जाएगा डबल। सो नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स आपका दिया हुआ है और वैल्यू दिया हुआ है, तो आपका डबल हो डबल जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 पे आ जाइए। हाफ हॉल मतलब हाफ होता है निधि पांडे जी, वो इंग्लिश का वर्ड, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओ, तो हाफ मतलब कि आपका हाफ है वो। आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई, आपका एक सीरीज आपका जो सर्किट दिया हुआ है, आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको, एफ आर गिवेन है आपको, 1 किलो हर्ट्स गिवेन है,
क्वालिटी फैक्टर कितना गिवन है आपको, आपको गिवन है 100 गिवन है, तो क्यू इक्वल क्या होता है आपका, एफ आर अपॉन में बैंडविथ आपका है, बताओ भाई हाँ या ना। ठीक है भाई, अब एफ आर कितना आपका दिया है भाई, 1K दिया हुआ है, आपका बैंडविथ कितना है आपको फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है न्यू क्यू। चलो कोई नहीं, अब क्यू जानते हैं क्या होता है आपका, ये 1 अपॉन में r√ में l अपॉन में c होता है भैया, 1 अपॉन में r√ में l/c, अब ये बोल रहे डबल हो जाएगा आपका, ये 1 अपॉन में 2 r हो गया और ये 2 l आपका, ये 2 c हो गया, 2 से 2 एंसर हो गया आपका, यहाँ से क्या रहेगा क्यू डेथ आपका रहेगा q/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका 50, यानी जो पहले क्यू था उसका हाफ कर दो तो आपका नया वाला क्यू मिल जाएगा, तो क्यू क्या होगा आपका यहाँ से q/2, तो आपका हो जाएगा 50 ये। ठीक है, चलो भाई 22 पे आ जाओ। गन डायोड इज अ, आपका जो गन डायोड होता है वो क्या होता है बताएं भाई, आपका जो गन डायोड हो क्या होगा बताइए, 22 का ए हो जाएगा ना, और निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस आपका होता है, क्या होता है आपका निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस, आपका गन डायोड हो गया, ये सभी क्या होता है आपके निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होते हैं आपके। ठीक है, आ जाओ भाई 23 पे आ जाओ। पिन डायोड यूज, अरे वाह मोरे जी, बहुत अच्छी बात है, बताएं भाई पिन डायोड क्या होगा आपका, सुटेबल फॉर द माइक्रोवेव सेटअप ना। चलिए आ जाओ भाई 24 पे आ जाओ। द रिजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी, आपका जो पोटेंशियोमीटर का रिजोल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए आपका, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट आपका। आ जाओ भाई 25 पे आ जाइए। नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, आपका जो नेगेटिव फीडबैक होता है एम्पलीफायर में, आपका जो कंटैक्ट होता है आपका वेग भाई, वो आपका होता है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी आपकी होती है वहाँ पर होता है आपका। ठीक है, गन डैड हो गया, इम्पेल डैड हो गया, ट्रैप डैड हो गया, सभी क्या होता है आपके माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो आप पढ़ते हैं वहाँ पर होता है आपका, रिड्यूस आपका डिस्टॉर्शंस, सही कहा आपने, आपका करता है ये रिड्यूस करता है डिस्टॉर्शन को। ठीक है, आ जाओ भाई 26 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ डेटा सेलेक्टर,
चलिए बताए भाई 26 का सी ए डी आपका जाएगा सी हो जाएगा मल्टीप्लेक्स आपका सही कहा आपने। आ जाओ भाई 27 पे आ जाओ 27 कंपेंडर आर यूज इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम टू महावीर साहब बोल रहे हैं 27 का सी होगा। प्रियंका बोल रहे हैं ए होगा क्योंकि कंपेंडर है तो कंप्रेस करेगा वो कुछ ऐसा कुछ लिख के आ रहा है समझ में आ रहा तो होगा यही आपका लेकिन ऐसा नहीं है आपका जाएगा सी हो जाएगा टू इम्प्रूव द सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपका हो जाता है सी आपका आंसर। ठीक है आ जाओ भाई 28 पे आ जाओ। लाइट इज कंफाइंड विद इन द कोर ऑफ अ सिंपल ऑप्टिकल फाइबर बाई एक बार सी हो जाएगा ना आपका आपका आंसर सी हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द कोर क्लैडिंग बाउंड्री आपका आपका TIR होता है ना आपका रिफ्लेक्शन के अंदर बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फाइबर्स प्लास्टिक कोटिंग ऐसा है क्या? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है आपका कोटिंग तो आप ऊपर करते हैं ना अंदर थोड़ी करते हैं आप। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका आउटर एज ऑफ द क्लैडिंग आप बोल रहे हैं तो बात हो गई आपका चाहे बिल्कुल डी बोलो बात एक ही आपका तो चाहे क्या सी आपका। ठीक है आ जाओ भाई 29 पे आ जाओ आप लोग। इन अ PCM सिस्टम इफ वी इंक्रीज द कॉन्टेंशन लेवल फ्रॉम 2 to 8 द रिलेटिव बैंड रिक्वायरमेंट विल बी अब भाई 2 to 8 गया है तो सिंपल सी बात होगा आपका 2 से आपका 8 हो रहा है तो 2 की पावर n आपका ये 2 की पावर n यहाँ पे n आपका 1 हो रहा है और यहाँ बना n आपका 3 हो रहा है तो क्या होगा ट्रिपल्ड होगा ना आपका सी आंसर। सेम क्यों होगा भाई श्वेता मौर्या जी आपका RB इक्वल टू NFS होता है ना बैंडविड्थ आपका तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है आ जाओ भाई 30 पे आ जाओ। Which of the following microphone does not require polarizing current? आपका सी हो जाएगा ए हो जाएगा ना क्रिस्टल आपका हो जाएगा माइक्रोफोन आपका क्रिस्टल आपका परफेक्ट राइट है। आ जाओ भाई 31 पे आ जाओ। अ फेज लॉग लूप इज अ फीडबैक सर्किट कंसिस्ट ऑफ आपका ये फेज लॉग लूप है आपका जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना आपका आपका डी आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। आ जाओ भाई 32 पे आ जाओ। 339
आईसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ 14 DIP पिन आपका बताइए भाई कौन सा होगा। आपका आंसर रहेगा ए हो जाएगा, योर आंसर विल बी ए। आपका कंप्यूटर यूज करते हैं ना आप लोग, 33 आपका आईसी होता है वो कंप्यूटर के लिए होता है ना आपका। अंकुश भाई बहुत दिन बाद कहाँ हो भाई। ठीक है आ जाओ भाई 33 पे आ जाओ। आईसी थोड़ा देख लेना ठीक है, अगर देखना हो तो, अगर आप देखना चाहें तो आप आईसी थोड़ा देख लीजिएगा, मे बी आपसे पूछ ले क्या पता। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर इज नियरली इक्वल्स टू, बताए भाई क्या होगा। आपका डी हो जाएगा 81% आपका होता है, क्या होता है आपका 33 का डी हो जाएगा आपका 81% आपका होता है रेक्टिफिकेशन आपका। ठीक है आ जाओ भाई 34 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेड टू रिवर्स बायस रीजन इन इट्स ऑपरेशन। आपका जाएगा फोटो डायोड, आपका क्या बोलेंगे इसको आप, फोटो डायोड आपका जाएगा सी। आ जाओ भाई 35 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर मटेरियल आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सोलार सेल्स। आपको देगा ऑल ऑफ देखो जाएगा आपको गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फॉसल्फाइड आपका, ये सभी आप यूज करते हैं। आ जाओ भाई 36 पे आ जाइए। होल्डिंग करंट फॉर एन SCR इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। आपका सी हो जाएगा, एकदम सही कहा आपने। द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन, आपका जो करंट रिक्वायर्ड होता है फॉर द मेंटेनिंग कंडक्शन वो करंट होता है आपका होल्डिंग करंट होता है। ठीक है आ जाओ भाई 37 पे आ जाओ। 37 व्हाट टाइप ऑफ कोफिशिएंट डू थर्मिस्टर हैव। आपका भी हो जाएगा ना।
एससीआर के लिए करते हैं आप, लैचिंग आपका होता है, होल्डिंग एंड आपका होता है, तो लैचिंग एंड होल्डिंग एंड होता है आपका, ऐसा बोलते हैं आप, ठीक है, वो ऑन करंट के लिए बोलते हैं आप, ठीक है। श्वेता मौर्य जी, किसी में बोथ दिया किसी में नेगेटिव दिया हुआ है, तो आप नेगेटिव लगाइए। बोथ ऐसे आपका होता है पॉजिटिव नेगेटिव, आपका थर्मिस्टर जो होता है वो क्या करता है कि आपका बेस्ट आपका नेगेटिव लगाइए, तो सही रहेगा आपका। आपका सी दिया हुआ है बहुत जगह पे, तो ऐसा करिए आप सी लगाना सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये थर्मिस्टर आपका जो होता है ना वो आपका बोथ में काम करता है आपका, कुछ जगह आपका मतलब कि जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में आपको यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मिलेगा आपका, ठीक है। आंसर भी आप सी लिख देना सभी लोग, ठीक है, सी लिख देना स्टैंडर्ड बुक्स में आप देखना एक बार, ठीक है। एग्जैक्टली सही कहा मैन साहब, आपको मिल गया होगा कमेंट, आपका भी लेट आया थोड़ा मेरे पास, लेकिन मैं उसको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई 38 पे आ जाओ, क्योंकि दो टाइप के होते हैं ना आपके, तो उसमें आपका टाइप्स होते हैं, तो नेगेटिव भी काम करता है पॉजिटिव काम करता है आपका। जी भाई कहाँ हो भाई, तुम लापता हो, मैच क्या पोजिशन है। इन अ माइक्रो प्रोसेसर वन मसल साइकिल इक्वल टू वन क्लॉक साइकिल, वन क्लॉक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवन मसल साइकिल आपका, वन मसल साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवन क्लॉक साइकिल, वन मसल साइकिल इज लेस देन द वन क्लॉक साइकिल, ऐसा है क्या? ये डी गलत हो गया, बी गलत हो गया, ए गलत हो गया, आपका सी सही है। थर्टी का क्या देगा, बस सी हो जाएगा। आ जाओ भाई 39 पे आ जाओ, अरे यार तभी तो, तभी आप लोग आए हैं ईमान सारा, तभी आप लोग नितीश भाई तभी आए हैं, नहीं तो अभी तक तो मैच चल रहा होता। अच्छा अभी आप एकदम, अरे वाह बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया, आपका सी एकदम परफेक्ट आइटम का आंसर है, और रहेगा देर आर मैक्सिमम 250 का इनपुट होगा आउटपुट जाएंगे, ठीक है। आ जाओ भाई 40 पे आ जाओ, द फास्ट कैरी और लुक अहेड कैरी सर्किट्स फाउंड इन अ मोस्ट 4 बिट पैरेलल एडर सर्किट इज, रिड्यूस प्रोपेगेशन डिले आपका, चलिए आ जाओ 41 पे आ जाइए। टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाई अ 8 इन 8085 वी हैव टू यूज आर ए एल इंस्ट्रक्शन, ट्वाइस होगा, अभी जस्ट अभी क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, ऐसे कैसे काम चलेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो भैया कैसे करोगे आप, यहां से गया तो आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया तो आपका फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 ऊपर जाएगा 4, फिर क्या होगा आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है आपको, तो भैया फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई हो 2 × 2 × 2 आपको आ जाएगा थ्राइस, ठीक है, योर आंसर विल बी थ्राइस। आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 होगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, तो ये क्या हो गया आपका 3 टाइम्स हो गया ना, ये हो गया 3 टाइम्स ना आपका, 1 2 3 आपका, क्लियर है। चलो भाई 42 पे आ जाओ, फीडबैक फैक्टर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज,
आपका वेन ब्रिज है भाई साहब, बी हो जाएगा आपका आंसर, क्या जाएगा बी आ जाएगा, वन अपॉन में थ्री आपका होता है ना। सी जो आप बोल रहे हैं 1/20 आपका, वो आरसी के लिए होता है, ठीक है। आ जाओ 43 पे आ जाओ। अब 4 बिट आर टू आर डिजिटल टू एनालॉग डीएसी कन्वर्टर हैज अ रेफरेंस ऑफ अ 5 वोल्ट, व्हाट इज द एनालॉग आउटपुट फॉर इनपुट इज वन। अगर भाई आपका 4 बिट है तो वन 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 ये आपका हाईएस्ट होगा, और जब ये हाईएस्ट होगा तो वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब, ये 5 आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि भैया आपका ये जो हुआ, ये कितना आपका है 15, आपका 15 जो है वो आपका 5 बराबर है, ये कितना है 1 2 4 8 आपका दिया है, तो आपका 10 हो गया ये, तो 10 किसके बराबर होगा, 10 हो जाएगा 5 अपॉन में 15 इंटू 10, तो आ जाएगा यहाँ से आपका 3.33 बोल सकते हैं आप, या 3.125, एक्चुअली ये आपका 16 हो जाता है, ठीक है। तो करेंगे आपका 3.125 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, आपका बी हो जाएगा। आ जाओ भाई 44 पे आ जाओ। कल एग्जाम के लिए दीदी भाई देंगे देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमने कहा पहले आप लोग मैच देख के आ जाओ आराम से, फिर लास्ट में बात करेंगे टिप्स जो भी हैं, टिप्स एंड जो आपकी आपके रिक्वायरमेंट आपकी है, देंगे देंगे, डोंट वरी। इज द मीडिया एक्सेस मेथड फॉर इथरनेट, कल से आपका नया शेड्यूल स्टार्ट होगा, ठीक, कल से आपका नया शेड्यूल स्टार्ट होगा, ये तो आपका लास्ट लास्ट है, डी नहीं आपका बी हो जाएगा भाई, सी एस एम ए सी डी आपका होता है, ठीक है। मीडिया एक्सेस मेथड आप यूज करते हैं जो आपका इथरनेट में, आपका फॉर इथरनेट आपका लैन दिया हुआ है, ठीक है। आपका इथरनेट के लिए वैसे सभी आप देखो मीडिया एक्सेस आपके सभी हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो आपका होता है ये तीनों ही आपके हैं, टोकन पासिंग सी एस एम ए सी एस एम ए सी डी आपका, यहाँ से बोला कि आपका इथरनेट लैन के लिए क्या होगा आपका, तो इथरनेट लैन के लिए आप करते हैं सी एस एम ए सी डी आप करते हैं यूज, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद आपका कोलिजन डिटेक्शन आपका, ठीक है। योर आंसर विल बी बी। 45 आ जाइए भाई, बताइए होगा द इंस्ट्रक्शन सेट अभिमान साहब, हाँ पेपर कैसा गया आपका यार, थोड़ा सा आप टिप्स दीजिए, जो भी आपके कलीग वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल पेपर हो चुका है ना आपका, तो पेपर कैसा आया था, लेंदी पर आया था, इजी पर आया था, या पेच घुमा के आया था, कैसा आया था आप लोग के लिए। द इंस्ट्रक्शन RST 7 इज अ, अब RST 7 दिया हुआ है तो आप जानते हैं भैया कि आपका RST 7 है, इसको आप 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे कितना आपका यहाँ से आएगा 56। अब ये डेसिमल में दिया है भाई साहब, ये आपका डेसिमल में है, अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे हेक्सा में तो क्या होगा आपका 38 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा बी हो जाएगा। तो RST का जो एड्रेस आपका है वो क्या एक्चुअली है, 38 आपका एच है। आ जाओ 45 पे आ जाओ। डेटा लिंक लेयर है 44 जो है या, अच्छा 46 आपका, भाई मैं सोचूं कैसे आप लोग बोल रहे हो भाई इतना फास्ट कैसे, 46 डेटा लिंक लेयर इन IEEE स्टैंडर्ड इज डिवाइड इनटू 2 सब लेयर्स ऑफ, अच्छा, ईमान साहब अरे वाह यार बहुत अच्छे, मतलब कि जो आपका ट्रेडिशन चलता चला रहा था कि आपका मशीन पावर सिस्टम भी आपका, तो ये तो भी क्योंकि 150 क्वेश्चन है यार, 150 क्वेश्चन में मान लो 50 ये होंगे तो 100 तो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम सबसे आए होंगे ना, लेकिन हाँ, लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा ना, PLC स्काडा ये सब आपको मैटलैब वगैरह, हाँ मतलब प्रैक्टिकली जो होता है वो उस पर ज़्यादा कूद रहे हैं वो। क्या होता है आपका यहाँ पर, क्लासेस में आपका अंकुश भाई परसों स्टार्ट होगा, परसों स्टार्ट होगा CEO परसों स्टार्ट होगा आपका, और कल से आपका डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, टाइम आपकी सेम रहेगी 11 से आपका एक, तो सभी लोग जो प्लस में ज्वाइन हैं वो कल आप आके ज्वाइन करके सेशन को समझ लेंगे, कैसे आपका कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे आप क्लास आपके होने वाले हैं, शानदार मान भाई हो जाएगा, हो जाएगा,
क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी देखो आप लोग को पता था ना, इसलिए आप लोग पहले से मेकअप थे तो कोई इशू आप लोग को हुआ नहीं। दिक्कत तब होती है जब आपको पहले से माइंड वर्क ना हो तभी। ठीक है बताओ भाई 48 क्या होगा? 48 एग्जैक्टली अपॉइंटमेंट से बन जाता है। सही कहा आपने सुरेखा जी। ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ए एम डी एस बी एस सी आपका बताओ भाई। सही कहा आपने हो जाएगा फॉसिल से हो जाएगा। ठीक है हो जाएगा फॉसिल से। आ जाओ 49 पे आ जाओ 49। नहीं बात सही है मन भाई। ठीक है आपको देगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वीडियो एक होता है वो क्या होता है आपका 48। ऐसे आपका ये बोल रहे हैं कौन सा आपका डीएसबी एससी के लिए आपका है यानी कि किसके लिए यूज करते हैं। तो आपका फॉस्टर्स लिए आपका जो होता है आप उसको यूज करते हैं फॉर द डीएसबी एससी आपका। क्या यूज कर बोलूँ भाई क्या आपका रेसिव रेटर होगा कि फॉस्टर्स होगा बताओ कौन सा होगा। रेशियो टक हो गया फॉसिल ले फॉर रिमोट लैब का बैलेंस मोर क्या 48 कुछ गड़बड़ हुआ है क्या 48 का ए होगा बी होगा बताओ क्या होगा आपका कुछ गड़बड़ हुआ है ना। हाँ आई थिंक मुझे लग रहा है क्योंकि ये रेशियो का डेटर भी होता है आपका। सही कौन सा आपका इसमें फिर आपका डी मॉडल आपको पूछा गया है आपका डिटेक्शन के लिए ना आपका प्रोटोटाइप आपका डी मॉडल होता है ये तो मॉडल होता है ये तो गलत हो गया आपका आपका ये भी गलत है। हाँ फर्स्ट लेवल का एफएम के लिए है सॉरी सॉरी मैंने ध्यान दिया ये आपका ये एफएम के लिए है आपका ए है ना यहाँ पर आपका ए हो जाएगा सॉरी फॉर दैट आपका ये ए हो जाएगा ना अभी। ठीक है एग्जैक्टली भाई आ जाओ भाई 50 पे आ जाइए 50। आपका ए एम है वी मैक्स माइनस वी मिन आपका दिया हुआ है और वी मैक्स वी मिन दिया हुआ आपको क्या होता क्या होगा यहां से आपका वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन में वी मैक्स प्लस आपका वी मिन तो 10 माइनस 5 और 10 प्लस 5 5 अपॉन में 15 1 अपॉन में 3 आपका आंसर बी आ जाइए 15 पे आ जाइए 51 कितना हो गया आपका यहाँ से आपका टाइप ऑफ एंगल पूछा गया आपसे तो आपका हो जाएगा एफ एम पी एम ना आ जाओ 52 पे आ जाओ। नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल ऑफ पी सी एम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द लेवल ऑफ क्वांटाइजर सी चलिए रुकिए जस्ट माइक्रोमीटर जो है फुल मैसिक्यू सेशन आपका लेना है चलिए अच्छा ओके फाइन अब जाओ भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ले लेंगे हम कोई इशू नहीं है। अभी ठीक है जस्ट वेट ग्रेट। चलिए तो अभी एक्चुअली क्या ना अभी आपके कल एग्जाम है तो इसलिए कुछ हम यहीं पे विराम देते हैं इसको आपकी सभा जो है यहीं समाप्त करते हैं या तो दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं आप या बताओ करें कर लें फटाफट बताओ बताओ भाई दो तीन क्वेश्चन और आपके हैं फटाफट कर लेते हैं। अरे बाप रे कोई दिक्कत नहीं हुई ज्योति चले भाई आ जाओ फटाफट करते हैं थोड़ा सा कर लेते हैं आप लोगों का
नहीं तो क्या ना कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। कोई नहीं आप लोग आराम से जो भी है भाई रिलैक्स, बस फटाफट यही दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपका ये फटाफट रिकॉर्ड जाए। यूज ऑफ आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको बताओ भाई? ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, ठीक है। दिस वन फॉर आपका ये 53 आपका है, ठीक है, 53 आपका हो गया। 54 आपका जो दिया हुआ है आपसे क्या बोला भाई, आपका कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, तो आपका ये हो जाएगा ए प्लस बी बार, ओके नहीं ए बार प्लस बी हो जाएगा आपका इंटू सी बार, नहीं होगा आपका ये भी, आपका ये गया, आपका ये गया। अच्छा ये बचा क्या आपका, ये अच्छा है जलेबी, बनी जलेबी। अरे ट्रेन आ गया, अरे ग्रेट, अच्छा है, ऑनलाइन का ही फायदा है, आप कहीं से देखते हैं क्लासेस, ठीक है, दैट्स अ ग्रेट। आपको आ जाएगा सी और जाएगा डी बार, आपको आ जाएगा ई और आपका ए, आपका आंसर सी आ जाएगा ना, आंसर भी सी। आ जाओ 55 पे आ जाओ, आपका बोला है इंडिकेटर आपको आ जाएगा, तो क्या जाएगा डबल स्लोप हो जाएगा आपका, आपका डी हो जाएगा 55 का डी हो जाएगा। 56 पे आ जाइए, या आपका कैविटी आपका मैग्नेट्रॉन आपका दिया हुआ है, प्रिवेंट मोड जंप आपका होता है बेसिकली, आपका ये किसका है आपका माइक्रोवेव इंजीनियरिंग आपका एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, किसका है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग क्वेश्चन आपका है। आ जाओ 57 पे आ जाइए, द आउटपुट ऑफ एफ 4:1 आपका दिया हुआ है भाई, अब सिंपल सी बात है 0, 1, 2, 3 दिया हुआ है आपका, तो यानी कि जब आपका 0, 0 है तो आपका 0 आ रहा है, कोई भी एक 1 है आपका तो ये 1 दे रहा है आपको, तो क्या होगा यहाँ से आपका ये x प्लस वाई हो जाएगा आपका, अगर 0, 0 आपका 0 दे रहा है, कोई भी 1 हुआ तो आपका 1 हो जा रहा है आपका ये, ठीक है। आ जाओ भाई 58 पे आ जाओ, ये इसका आपका ए, आपका ये दिस वन ए प्लस बी सी आपका बी। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस डज नॉट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ एक्स वाई, आपका ये कर रहा है, ये कर रहा है आपका एक्स बार वाई बार हो गया, तो आपका हो जाएगा ये एक्स का डबल बार वाई बार, आपका ये नहीं करेगा ना, क्योंकि एक्स बार आपका हो जाएगा तो एक्स वाई बार वाई एक्स बार होता है आपका, एक्स वाई बार हो जाएगा तो आपका एक्स वाई बार है, ऊपर से वाई बार और आपका लिखा हुआ है तो डबल बार हो जाएगा, यहाँ एक्स बार वाई जाएगा। एग्जैक्टली नॉट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव नॉर आपका, तो इसलिए आपका जाएगा डी हो जाएगा। आ जाओ भाई 60 पे आ जाओ, रिपल काउंटर स्पीड लिमिटेड बाय द प्रोपगेशन डिले ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप एंड गेट्स आपका, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप तुम पूछना, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर टैग कर देना, हो सकता है जल्दबाजी में अगर मैं आंसर रॉन्ग लगा दूं तो आप तुम पूछना, ठीक है, बोलना आपकी सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है आपको, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाओ भाई 61 पे आ जाओ, -17 आपका, तो 17 को आप लिखो पहले, क्या होगा बताओ भाई 17 का क्या होता है आपका, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 8 आपका, और ये 1, 1, 2, 4, 8, 16 आपका, ये आपका हो गया क्या इसका बाइनरी नंबर, फिर क्या करेंगे आप इसको 0, 1, 1, 1, 0 करेंगे आप, प्लस 1 करेंगे आप, क्या मिलेगा यहाँ से 0, 1, 1, 1, 1 मिल जाएगा आपका, तो क्या मिला आपको 0, 1, 1, 1 आपको मिल गया, आपका ये हो जाएगा यहाँ से आपका ये बी, या तो आप ऐसे करें बी या डी बताओ भाई क्या होगा, या तो आप ऐसे करें, या तो क्या करें आप इसको 17 आपका है तो क्या करेंगे आप भाई, 2 की पावर आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, डी की बी है बताओ भाई, आप लोग जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव पूछा गया आपका 17 का, आप लोगों ने डायरेक्ट कर दिया 1, 1, 0, 0, 0, 1 इसका आपका हो गया 17 और ये 1 आपका लिखा हुआ माइनस 1 के लिए, ऐसा ऐसे मत करो यार, ठीक है, क्योंकि जो -17 आपका है उसका आप 2 से कॉम्प्लीमेंट होता है रिवर्स मिलता है, ठीक है, गॉट इट। आ जाओ भाई 62 पे आ जाओ, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय 8-bit 2 से कॉम्प्लीमेंट आपका, 8-bit 2 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस का हो जाएगा 127 जीरो का हो जाएगा ये 128 होगा आपका, तो कि ये -2 की पावर क्या होता है आपका n -1 आपका होता है से आपका जाएगा ये प्लस में
टू की पावर एन माइनस वन माइनस नाउ का जाएगा, तो कैंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कल आपका जो एग्ज़ाम है यूपी आरएल के लिए जो भी बच्चे देने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट यू गाइस। बस आपको बस मैं क्या बताऊं, आप लोग डेली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है ऑलरेडी। बस करना ये आपको है कि नॉन टेक आप पूरा अच्छे से करके आइए, टेंकल भी करके आइए। ऐसा नहीं कि आप टेंकल छोड़ दीजिए कि आप बोलें सर कि अरे तो सर ने बोला टेंकल ना करने के लिए। 150 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं टेक टेक में आपका दिया हुआ है और 50 आपका नॉन टेक में गिवन है। पेपर में सिलेबस किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है, सिलेबस क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और ध्यान रखिए आप लोग गलती से भी आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा मत करिएगा। 200 क्वेश्चन है तो आप 150 का टारगेट रखिएगा दिमाग में, 150 प्लस आपको रखिए दिमाग में एक सेव स्कोर के लिए। पेपर टफ आ गया है जी, आगे बात की बात है, लेकिन ध्यान रखिए इतना अब से कम से कम करिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप में सीट्स कम होती हैं तो कट ऑफ बढ़ जाती है और कुछ नहीं आपका होता है। डिप्लोमा बस अलाउ है याद रखिएगा, लेकिन बीटेक वाले भी जो होते हैं डिप्लोमा वाले बीटेक करते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें नॉलेज हो जाता है। और याद रखिएगा एडमिट कार्ड प्रॉपरली और बहुत ध्यान से बहुत ही आराम से, बाकी मैंने आपको इस फिल्म बता रखा है, एडमिट कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, जो भी उन्होंने दे रखे हैं आपके कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपका वो सभी आप लेके जाइएगा, कैरी करिएगा, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर गड़बड़ करें। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट यू गाइस, अच्छे से आप लोग पेपर दीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा बिना किसी दिक्कत के। कल से आपका जो शेड्यूल है कैसे क्या होने वाला है कल हम उसकी बात करेंगे। बस अच्छे से एग्जाम दीजिए आप लोग, बाकी आपका रिपोर्ट में ना जानते हैं कि अगर कोई एजुकेटर आपको लगता है कि हाँ रिपोर्ट कंटेंट आपका दिया हुआ है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। भाई क्रैश कल से स्टार्ट होने वाला है तो कल जो लोग भी प्लान कर रहे हैं या कर चुके हैं या जो करने वाले हैं वो सभी लोग कल क्लास में मिलें। कल सबका बैच स्टार्ट होने वाला है, कल हम लोग धमाकेदार तैयारी करने वाले हैं फॉर यूपीसीएल आपका एई के लिए और आपका जो यूपीएससी आपका पॉलिटिकल है उसके लिए आपका। ठीक है, बस करना क्या आपको अनअकैडमी लगे शॉर्ट करना पड़ेगा, आपको मोबाइल नंबर अपना जो वेरीफाई कराइए, फिर आपका रत्नेश पांडे मेरा नाम है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ से भी डाटा कोर्सेज को ले सकते हैं, मेरी क्लासेस जो है उसको ले सकते हैं जो फ्री क्लास आपकी होती हैं। ठीक है, जो कोर्स का नाम है वो है प्रैक्टिस कोर्स फॉर द यूपीएससी पॉलिटिकल आपका है दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे जैसे आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा पेमेंट पेज, इस पेमेंट पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 24 मंथ 12 मंथ 6 मंथ आपका रहेगा ई एम आई आपका है। अगर आप 6 मंथ से ऊपर आते हैं तो आपका नो कॉस्ट ई एम आई होता है। कोड आपका आरकेटन है, आर केपीटन कोड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कोड को बिना लगाए आप आगे में बढ़िएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिलता है, साथ ही साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलती है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग ध्यान रखिएगा एस एस सी जेई आपका जो है ये रिक्वेस्ट आपका। ठीक है, कि कैटेगरी जो आपकी है ये चेंज ना होने पाए, कैटेगरी आपकी यही रहे, ऊपर आपको जब आगे बढ़ें तो आप कम से कम काइंडली चेक की और कैटेगरी है क्या आपका, एस सी जेनरल स्टडी आपका लिखा होना चाहिए, तो आपको लाइव क्लासेस जो होने वाली हैं वो आपको दिखेंगी, अगर आपने कैटेगरी चेंज की तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कोड आपका आर्किबिटन है, याद रखिएगा इसको, बोलेगा नहीं आप लोग, फॉर 10% ऑफ, बाकी पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको पता ही है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट नाइट, अच्छे से आप आराम करिए, रेस्ट करिए, कल आपका पेपर है, आराम से बस सब क्वेश्चन करके आइएगा, इंपॉर्टेंट ये है, एवरी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू को ध्यान रखिएगा, गलती से भी गलती ना करें आप लोग वहाँ पे, नहीं तो पता सबमिट नहीं किया आपने गड़बड़ हो जाएगा। सो बी केयरफुल एंड थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल आपका सेम टाइम पर सेम समय पर, नया जो आपका शेड्यूल है उसको लेके और सभी क्लास करने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।